डायबिटीज यानी मधुमेह से ग्रसित व्यक्तियों को हृदय रोगों से मौत का खतरा अधिक रहता है। विशेषज्ञों की माने तो टाइप 2 डायबिटीज वाले व्यक्तियों में लगभग 58% मौतें हृदय संबंधी रोगों के कारण होती है। डायबिटीज के साथ जुड़े ग्लूकोज के उच्च स्तर से हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, जी से ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन संबंधी अन्य समस्याएं भी होने की संभावना रहती है। चिकित्सकों की माने तो टाइप 2 डायबिटीज सामान्य रूप से वयस्कों को प्रभावित करती हैं, हालांकि ये समस्या अब भारतीय युवाओं में भी देखी जा सकती है। ज्यादातर युवा किडनी डैमेज होने के साथ हृदय रोगों के अलावा जीवन को संक में डालने वाली जटिलताओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक डायबिटीज होने के पीछे प्रोसेस्ड और जंक फूड का अधिक सेवन, अधिक कैलोरी वाला भोजन, मोटापा और एक्सरसाइज की कमी प्रमुख वजह है। समय समय पर जांच न कराना और डॉक्टर की सलाह न लेना भी जोखिम भरा है, जिसके कारण कम उम्र में जानलेवा सा स्थिति से गुजारना पड़ता है। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक लोगों में एक आम धारणा है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले युवाओं को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे गंभीर नहीं मानते, जबकि ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसी स्थिति में तुरंत उपचार और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि युवाओं में डायबिटीज के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में जांच कराना बहुत जरूरी है। अगर कोई लक्षण दिखते भी हैं तो वह बहुत हल्के होते हैं। आमतौर पर यह धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिनमें अधिक प्यास लगना और बार पेशाब लगना शामिल है। तो अग्रवाल के मुताबिक यदि घर के मुखिया अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो यह उनके बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होती हैं। इस तरह के बदलाव एक युवा को अपना वजन कम करने में मदद कर सकते हैं, या उन्हें खाने पीने के बेहतर विकल्प खोजने में मदद कर सकते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जिन परिवारों में डायबिटीज आनुवंशिक है, उस फैमिली के लिए अच्छी जीवनशैली बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज के जुड़ी एक्सपर्ट की सलाह। रोज़ाना नाश्ता करें और हेल्दी फूड का सेवन करें। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें तो अच्छा होगा। पानी ज़रूर पिएं, दिन भर में 8-10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज और योगाभ्यास ज़रूर करें। धूम्रपान और शराब का सेवन न करें, अगर करते हैं तो छोड़ने का प्रयास करें। देर रात तक जागरें नहीं, रोज़ाना 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है। फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ है या पहले किसी को थी तो इस बारे में बाकी सदस्यों से इसकी जटिलताओं के बारे में बात करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को व अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें hashmi.com चैनल और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप hashmi.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो मोबाइल पर ही पाएं।